एक बार राहुल पुलिस को कॉल करता है और बोलता है कि हमारे पड़ोसी 2 वीक से दिख नहीं रहे, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गए हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं उनके कुछ हो तो नहीं गया। पुलिस तुरंत राहुल के पड़ोसी के घर के बाहर पहुंच जाती है। फिर पुलिस राहुल से बोलती है, कहाँ है तुम्हारे पड़ोसी? फिर राहुल बोलता है, हमारा पड़ोसी अक्षय एक साइंटिस्ट है और उसने अपने घर के नीचे एक सीक्रेट लैब बना रखी है, वो वहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट करता है। फिर पुलिस अक्षय की लैब में जाती है। वहाँ जाकर वो देखते हैं कि वहाँ पर कुछ पेपर रखे हुए थे और कुछ एक्सपेरिमेंट के केमिकल। फिर पुलिस को एक पेपर मिलता है, उसमें लिखा होता है कि आज मैं अपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ। पुलिस देखती है कि वहाँ पर एक गेट था और उस गेट पर एक बड़ा सा लॉक लगा हुआ था। पुलिस उस लॉक को तोड़ती है और देखती है कि अक्षय अंदर इलेक्ट्रॉनिक चेयर पर बैठा हुआ है और वो मर चुका था। दोस्तों, अब आपको बताना है कि ये मर्डर है या फिर फेल्ड एक्सपेरिमेंट। आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करें। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। ये एक मर्डर है। अगर अक्षय एक्सपेरिमेंट के टाइम मरता तो गेट बाहर से लॉक नहीं होता, इसको किसी ने मारा है। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। भारत बैंक का मैनेजर अपने बैंक के लॉकर में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रखता है। एक दिन वो मैनेजर ऑफिस के काम से लंदन जाता है और वो अपने असिस्टेंट से बोलता है कि यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है तो किसी को आने मत देना। फिर कुछ दिनों बाद मैनेजर लंदन से वापस आ जाता है तो देखता है कि उसके ऑफिस में किसी ने कुछ ढूंढने की कोशिश की है। दोस्तों, मैनेजर को ये सब कैसे पता चला? आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करें। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर स्टाम्प का बॉक्स खुला हुआ है। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। एक बार मोहित के घर पर चोरी हो जाती है। चोर घर से महंगी चीजें चुरा कर ले गए, तभी पुलिस वहाँ आती है और मोहित के पड़ोसी कपूर फैमिली से पूछताछ करती है। सबसे पहले कुलदीप कपूर बताते हैं कि मैं मेरी वाइफ के साथ कैनेडा गया हुआ था, कैपिटल में हमारा कुछ बिजनेस है। फिर पुलिस पूछती है, उस टाइम तुम्हारा बेटा कहाँ पर था? तो कुलदीप कपूर बताते हैं कि मेरे ख्याल से वो घर पर होगा। फिर कुलदीप का बेटा टोनी बताता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, उसके भी पेरेंट्स कहीं बाहर गए हुए थे तो वो मेरे साथ मेरे घर पर थी। फिर कुलदीप की वाइफ मोना बताती है कि मैं मेरे हस्बैंड के साथ बिजनेस ट्रिप पर गई थी। फिर पुलिस ने कहा, तुमने वैनकोवर में क्या किया? तो मोना बोली, हम वहाँ पर ऑफिस की मीटिंग में पूरी टाइम बहुत ही बिजी थी। पुलिस इन तीनों की बातें सुनकर समझ जाती है कि चोरी इनमें से किसने की है। दोस्तों, पुलिस को कैसे पता चला कि इनमें से कौन झूठ बोल रहा है? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट करें। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। कुलदीप ने बोला कि वो कनाडा की कैपिटल में गए थे और उसकी वाइफ ने कहा कि वो वैनकोवर में गए थे, लेकिन कनाडा की कैपिटल तो ओटावा है। वो दोनों झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने ही वहां पर चोरी की है। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। सर्वेश अपने प्राइवेट जेट से कहीं जा रहा था, तभी अचानक उसका जेट एक डेजर्ट पर क्रैश हो जाता है और लकीली सर्वेश बच जाता है। वहां पर कोई नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। सर्वेश सोचता है कि मैं तब तक चलता हूँ जब तक मुझे कोई हेल्प नहीं मिल जाती। चलते चलते सर्वेश को भूख और प्यास लगती है, वो अब और नहीं चल सकता। तभी उसे एक चिराग दिखता है। सर्वेश उस चिराग को उठाता है और रगड़ता है, तभी उसमें से एक जिन्न बाहर आता है। जिन्न बोलता है,
अगर तुमको बचना है तो तुमको मेरी एक पहेली का सही जवाब देना होगा। अगर तुम पहेली का सही जवाब दे देते हो तो मैं तुमको यहाँ से बाहर निकालने का रास्ता बता दूंगा। जिन सवाल पूछता है, ऐसा कौन सा अपराध है जिसे करने की कोशिश की जाए तो उसकी सजा है, लेकिन अगर कर लिया जाए तो कोई सजा नहीं। दोस्तों, क्या सर्वेश इसका सही जवाब दे पाएगा? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट करें। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। सर्वेश ने कहा आत्महत्या, तो जिन ने कहा सही जवाब और वो वहां से बाहर जाने का रास्ता बता देती है। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। चलिए अब मैं आपका दिमाग चेक करती हूँ। आपने कई बड़ी बड़ी कंपनीज के लोगो तो देखे ही होंगे। चलिए अब मुझे बताइए इनमें से कौन सा लोगो सही है। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट करें। दोस्तों सही सही बताना आपने कितने लोगों सही बताए। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों आपके सामने एक पिक्चर है, उस पिक्चर में तीन लोग हैं। पहली लेडी आयरन कर रही है, दूसरी लड़की कपड़े लेकर खड़ी है और तीसरा आदमी सोफे पर बैठा है। आपको इन तीनों को ध्यान से देखना है और बताना है कि इन तीनों में से रोबोट कौन नहीं है। पिक्चर को ध्यान से देखिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। इसके लिए मैं आपको 20 सेकंड का टाइम देती हूँ। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। ये पहली लेडी आयरन कर रही है और ये आयरन की इलेक्ट्रिसिटी खुद में से ले रही है, मतलब ये रोबोट है। और ये तीसरा आदमी सोफे पर बैठकर चार्ज हो रहा है, तो ये भी रोबोट है। और ये तीसरी लड़की के नीचे पानी है और रोबोट पानी के ऊपर नहीं खड़े हो सकते, तो मतलब ये लड़की इंसान है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस पिक्चर को देखकर, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी आज की पहेलियाँ, मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू व्यूअर्स।